हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आपके सामने लेके आए बहुत ही शानदार क्लास, जिसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और एनसीईआरटी हाइलाइट्स पॉइंट देखने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी का एक पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक एक पॉइंट की। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मानव जनन तंत्र में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब यहाँ पे नर जनन तंत्र की बात करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मीन्स इसमें हम मादा जनन तंत्र की बात करने वाले हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक जनन, और युग्मक जनन में हम दो पॉइंट्स की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कहीं ना कहीं ओवम की, और दूसरा बात करेंगे स्पर्म की। तो ओवम को बोलेंगे, मीन्स ओवम और स्पर्म की बात करेंगे, तो एक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होगा ओजेनेसिस। दो पॉइंट की बात करके चलेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी बात हम करके चलने वाले हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? निषेचन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब रोपण होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी की बात करने वाले हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब आप सभी समझ रहे हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है भ्रूणीय परिवर्धन, तो इसमें भ्रूणीय परिवर्धन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपका रहेगा इसमें पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब होगा प्रसव। पार्चुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन को हिंदी में प्रसव बोलते हैं। और दूसरा हम बोलेंगे लैक्टेशन। लैक्टेशन को हम दुग्ध श्रावण या मिल्क का श्रावण या सिंथेसिस होना, मिल्क का प्रोडक्शन, उसको लैक्टेशन बोल के चलने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक पॉइंट की, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से होंगे उस पर हाईलाइट करके चलने वाले हैं। देखते हैं एक एक पॉइंट को। जो अपने सामने ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लिखा हुआ, ये एनसीईआरटी का कॉपी है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक इम्पोर्टेंट लाइन होती है, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी को यदि भगवान मान लें तो शायद उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हो सकती है। चलो देखते हैं। ह्यूमंस आर, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवीपेरस, मीन्स इसका मतलब यहाँ पे लाइन में वीवीपेरस का मतलब क्या होगा? वीवीपेरस क्या होता है? एक तो होता है अंडज, एक होता है जरायुज। तो मानव क्या है? मानव जरायुज होता है। मीन्स जरायुजता। वीवीपेरस का मतलब क्या होता है? जरायुजता, ठीक है। मीन्स जरायुजता का मतलब क्या होता है कि एक ही मानव में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर या अपनी माता के गर्भ के अंदर ही बच्चा बड़ा होता है, उसमें न्यूट्रिशन मिलता और बच्चा बनके बाहर निकलता, उसको जरायुजता बोलते हैं। एक होता है अंडज और दूसरा होता है जरायुज। जरायुज बच्चे को जन्म देना, अंडज अंडे को जन्म देना, ठीक है। तो मानव ऐसा प्राणी है जिसमें जरायुजता होती है, मीन्स एक बच्चा पैदा होता है और जिसका पोषण कौन देता है, जिसको पोषण कौन देता है, उसको पोषण देता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वीवीपेरस का मतलब जरायुजता होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे जरायुजता इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आएगा कि मानव जरायुज है या अंडज है, तो आपका आंसर रहेगा कि मानव तो जरायुज है, हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या बोला कि ह्यूमंस में और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इवेंट होते हैं एक तो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को हम हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन।
इसको बोलते हैं युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक जनन किसको बोलेंगे? गैमेटोजिनेसिस को युग्मक जनन बोलेंगे। और सर युग्मक जनन में भी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आगे पॉइंट पढ़ते हैं और देखते हैं। सर स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। स्पर्म किस में बनेंगे? स्पर्म बनेंगे किस में? स्पर्म बनेंगे मेल में, स्पर्म बनेंगे मेल में। और ओवम बनेंगे किस में? ओवम बनेंगे फीमेल में, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल और ओजेनेसिस इन फीमेल। महिलाओं में ओजेनेसिस के दौरान अंडाणु बनते हैं और मेल में नर में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म बनते हैं या फिर शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर आपका? नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट दैट इज नोन एज इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? वीर्य सेचन होता है, वीर्य सेचन। इनसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन क्या है, ध्यान से सुनना, कि मेल स्पर्म को मतलब नर के शुक्राणु को मादा के यूट्रस तक या गर्भाशय तक पहुंचा नहीं, क्या है? वीर्य सेचन है या इनसेमिनेशन है, क्लियर। तो इनसेमिनेशन क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इनसेमिनेशन या फिर वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन वह ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर के शुक्राणु को मादा के गर्भाशय तक पहुंचाना, या फिर मैं बोल सकता हूं द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल, और फीमेल में भी कहां पे बोल सकता हूं, यूट्रस में, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन। इसमें बोला फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, मेल और फीमेल का गैमेट्स मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों फ्यूज हो जाएंगे, दोनों फ्यूज हो जाएंगे या फिर जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। दोनों का जुड़ना या फ्यूज होना, दोनों का जुड़ना या फ्यूज होना, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन की यदि डेफिनेशन आती है, परिभाषा आती है, तो आप क्या लिखोगे? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दैट इज नोन एज क्या? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन। जिसमें हम बोल सकते हैं डेफिनेशन, मेल नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु दोनों आकर मिलते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। इसने कंटिन्यू ये भी लिखा कि ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में क्या बनता है? उससे जायगोट बनता है, ठीक है, जायगोट बनेगा। दिस इज फॉलोड बाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इससे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा किसका? ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे जाएगी? यूट्रस में जाएगी, यूट्रस के पास जाके और इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन को हिंदी में हम बोलते हैं रोपण। इम्प्लांटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोपण बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, बात को समझने की कोशिश करना। एक मेल से स्पर्म आया, फीमेल से ओवम आया, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। कहाँ पे होगा निषेचन? निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में क्या होता है? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में वो फर्टिलाइज्ड ओवम या जायगोट कहाँ पे आ जाएगा? यूट्रस में आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा। और गर्भाशय की पोस्टीरियर सरफेस पे जो एंडोमेट्रियम वाल होती है, यूट्रस की गर्भाशय की जो आंतरिक सतह होती है, आंतरिक परत होती है, उसमें आके रोपण हो जाता है, मींस इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्प्लांटेशन हो गया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गेस्टेशन।
अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब समझ रहे हो आप, भ्रूणीय परिवर्धन होगा, भ्रूण का विकास होगा, इसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जिसमें क्या होगा, गेस्टेशन। गेस्टेशन किसको बोलते हैं, प्रसव अवधि। प्रसव अवधि, प्रसव अवधि को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं। प्रसव अवधि को हम क्या बोल के चलेंगे, गेस्टेशन बोल के चलेंगे। तो याद रहे, गेस्टेशन किसको बोलना है, प्रसव अवधि को गेस्टेशन बोलते हैं। सर प्रसव अवधि कौन सी होगी, प्रसव अवधि जहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है जब तक पार्सुरेशन होता है, डिलीवरी होती है, वो बीच का पूरा टाइम प्रेगनेंसी का प्रसव अवधि कहलाता है या गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट, आगे, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्सुरेशन। अभी यदि बेबी की डिलीवरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्सुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्सुरेशन बोलते हैं। तो पार्सुरेशन, बेबी की डिलीवरी होती है उसको पार्सुरेशन बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पार्सुरेशन का मतलब आप समझ गए हो क्या, कि बेबी की डिलीवरी होती है उसको पार्सुरेशन बोलते हैं। क्लियर। चलो आगे हम बात और कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो पार्सुरेशन का मतलब क्या हुआ, डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का डिलीवर हो जाना या गर्भाशय से बाहर आ जाना एट द 9 मंथ। 9 मंथ की प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी का टोटल टाइम ड्यूरेशन, प्रसव अवधि का टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, वो होता है 9 महीना 9 मंथ। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये रिप्रोडक्टिव इवेंट कब होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। ये आफ्टर प्यूबर्टी अकर होते हैं, ये बिफोर प्यूबर्टी अकर नहीं होते। याद रहे, प्यूबर्टी किसको बोलेंगे, प्यूबर्टी यौवनावस्था को बोलेंगे। ठीक है, प्यूबर्टी किसको बोलेंगे, यौवनावस्था को प्यूबर्टी बोलेंगे। यौवनावस्था को हम प्यूबर्टी बोलेंगे। तो यौवनावस्था के बाद में होता है। कोई यदि क्वेश्चन पूछे आपको, आपको पूछे कि सर फर्टिलाइजेशन कब होता है, या फिर बोल सकते हैं कि सर इंसेमिनेशन कब होता है, आप बोलो कि सर रोपण कब होता है, आप बोलो कि सर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में प्रेगनेंसी कंसीव कब हो सकती है, तो आपको आंसर देना है सर यौवनावस्था के बाद में होता है। यौवनावस्था कब स्टार्ट हो जाती है, तो याद रहे 13 से 15 साल में ये मेल में स्टार्ट हो जाती है और फीमेल में 12 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। याद रहे, यौवनावस्था मेल में 13 से 15 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है और फीमेल में ये 12 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम यौवनावस्था या प्यूबर्टी बोल सकते हैं। तो पॉइंट यही था कि सर यौवनावस्था आने के बाद में ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक होते हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं, देन प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। कितना अच्छा पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट है। इसने क्या बोल दिया, इसने ये बोला है कि रिमार्केबल पॉइंट है। रिमार्केबल पॉइंट क्या है, रिमार्केबल पॉइंट ये है कि जो मेल होता है, मेल होता है या नर होता है, उसमें पूरी लाइफ, मतलब जब तक वो ओल्ड एज में जाता है, मतलब पूरी लाइफ में उसके क्या होता है, ओल्ड एज तक भी उसके क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होता रहता है। बात को समझने की कोशिश करना, एक नर है, मेल है, मेल पर्सन या नर बोल सकते हैं, मेल में, नर में ओल्ड एज तक भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, लेकिन फीमेल में मेनोपोज के बाद में रुक जाता है। और मेनोपोज का एज कितना होता है, मेनोपोज का एज होता है 45 साल। ठीक है, 45 ईयर। और 45 ईयर के बाद में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा,
फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मेल में वो ओल्ड एज में पुरुष में मेल्स में क्या होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू उसको चलता रहेगा, लेकिन फीमेल्स में आफ्टर मेनोपोज उसका क्या हो जाता है, मेनोपोज के बाद में उसका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में कंटिन्यू रहेगा और ओजेनेसिस फीमेल में रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज यानी बंद हो जाना इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, इन्होंने लिखा 50 ईयर तो मैं बोल सकता हूँ 45 to 50 ईयर 45 से 50 साल की उम्र में क्या हो जाता है, महिलाओं में मेनोपोज हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है। इसके फल स्वरूप क्या होता है कि उनमें कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ओवम का निर्माण नहीं होगा, अंडाणु नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो अब हम सर्वप्रथम पढ़ना चाहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद में पढ़ना चाहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम या कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, उन सब की हम चर्चा करके चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से सिस्टम इंक्लूड होंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेल्विस रीजन में होता है। जो पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी कहाँ पे होती है, उदर गुहा के नीचे, इसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। तो ये पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, किसके, मेल के। ठीक है, मेल और फीमेल में सेम ही पेल्विस कैविटी बोलेंगे। तो मेल पर्सन में पेल्विस कैविटी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, इन्होंने ये बोला एक पेयर होता है किसका, टेस्टिस का। पेयर होता है, पेयर का मतलब संख्या में दो। ठीक है, संख्या में दो, नंबर में दो, पेयर में एक और संख्या में दो, मतलब टेस्टिस की संख्या दो होती है या पेयर में एक जोड़ा होता है। क्लियर, अलोंग विद द एसेसरी डक्ट ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन्होंने ये बोला, एनसीईआरटी ये कहती है कि इन टेस्टिस के अलावा एसेसरी डक्ट होती हैं, ग्लैंड्स ग्रंथियां होती हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम बाह्य जननांग बोल सकते हैं, वो सब प्रेजेंट होते हैं। तो आज की क्लास में आपने देखा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन तंत्र में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब देखा कि सर इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस की बात करने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन मीन्स निषेचन और रोपण की बात करने वाले हैं, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स भ्रूणीय पुनरुत्पादन की बात करने वाले हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन मतलब प्रसव और दूध श्रावण की बात करने वाले हैं। तो ये सब बात हमने की, जिसमें हमने स्टार्ट किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये सभी पॉइंट हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स पॉइंट्स को देखने वाले हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने, जैसा कि मैं रिपीट करवाता हूँ कि ह्यूमन होता है वो विवीपेरस होता है, मतलब जरायुज होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जिसमें स्पर्म और ओवम बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेमिनेशन क्या होता है, शुक्राणुओं का यूट्रस तक पहुंच जाना इनसेमिनेशन होगा या वीर्य सेचन होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवम का मिल जाना फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, दोनों मिलके जायगोट बनाते हैं, फिर उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वाल पे चिपक जाता है जिससे वहाँ उसको प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिशन मिलेगा, देन उसके बाद में उसका भ्रूणीय परिवर्धन होगा, उसके बाद में उसका डिलीवरी होगा, पाश्चुरेशन होगा, देन कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वहाँ पे दुग्ध का श्रावण होगा, मतलब लैक्टेशन होगा। ये सभी पॉइंट हमने
देखा बेसिक चीज़ें या इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद जस्ट इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है। आज के लिए इतना सफिशिएंट, थैंक यू।